करती हूं आपका M4 न्यूज में, आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधान द्वारा जमकर की गई धांधली गर्दी, विकास के नाम पर किया गया जमकर घोटाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आप सभी को बताते चले कि जहां एक और कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं शीघ्र ही मुहैया कराई जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर विकास खंड बाजार शुकुल के अंतर्गत ग्राम सभा टिंगवसी की उसी में प्रधान द्वारा जमकर किया गया घोटाला, जमकर की गई धांधली गर्दी, पात्र लोगों को नहीं मिली सुविधाओं का लाभ, पीड़ित घर घर भटक रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अब आगे आपको यह बताते चलें कि ग्राम सभा के उसी में ग्राम पूरे फत्ते में लगभग काफी लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं, लेकिन उन्हें सुविधा से वंचित कर दिया गया। यहां तक लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी नहीं दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। और अगर आपको यह बताते चलें कि ग्राम सधारमऊ पूरे फत्ते में अधिकतर करके प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिलने वाले शौचालय में भी किया गया जमकर घोटाला, किसी को 6,000 तो किसी को 11,000, दूसरी केस आज तक नहीं आई। और तो और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हम लोगों ने जो मनरेगा में मजदूरी की है उसका भी पैसा हमें नहीं मिला। और अब आगे आपको यह भी बताते चले कि ग्राम सभा सधारमऊ में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनको शौचालय मिला ही नहीं। अब आपको यह बताते चले कि ग्राम सभा के उसी गांव में पूरे फत्ते में नहीं खड़ंजे का निर्माण हुआ, ना ही दूरस्थी कारण ना ही लाइट लगाई, यहाँ तक कि गांव के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, लेकिन जिस पर ग्रामीणों ने प्रधान से कई बार शिकायत की लेकिन प्रधान सुनने के लिए तैयार नहीं। और तो और काफी लोगों का मजदूरी काफी दिनों से पड़ी है लेकिन उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही। गरीब किसान मजदूर दर दर भटक रहे हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिलती, और प्रधान से बोलते रहे पर तरह तरह की धमकियां व दरवाजे से भगा दिया जाता है। अनेकों जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्राम सभा के उसी के लोग। अब खास बात तो यह है कि इस जटिल समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन व उनके जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, यह तो प्रशासन पर निर्भर करता है। क्या नाम है आपका? किस कुमार। आपके पिताजी का नाम? सियाराम। गाँव? सधारमऊ। मऊजा? क्योसी। क्या समस्या है आपको? लाइटिंग का पैसा नहीं आया। कितना मिला आपको? इसमें मिला 6,000, बाकी पैसा नहीं मिला। बाकी नहीं मिला। प्रधान से बात किए? प्रधान 3 नहीं कहा। क्या बोले? वो बोले कि आएगा आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया कोई का। कितने दिनों से आप बोल रहे हैं सर? जिसको बोल रहे हैं 2 महीने से। 2 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा। क्या नाम आपका? किस कुमार। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। तेज से बताओ, कौन सा गाँव है ये? क्या समस्या है आपकी? साहब कॉलोनी नहीं आई, मरहा रही के रही। कितने सालों से रह रही आप? मैं कई साल। तो आपने प्रधान से बात नहीं किया इसके बारे में? प्रधान निहरते नहीं ना। कभी आपने बात की नहीं प्रधान से? बात कई से, प्रधान जैसे रुपया पावत वही का काम करे थे। रुपया होते तो हम खुदे बनवा ले, कहे प्रधान से बातें कही। तो क्या रुपया रुपया मांगे? क्या रुपया जैसे रुपया मांगा थे, घूम घूम के लगे जाई थे ना, आवत उनसे बात कही थी तो वही बातें नहीं करती। आवास आपका नहीं मिला? नहीं मिला। लेटरिंग दी है, आधा पैसा दी है, आधा नहीं दी। कितना पैसा दिए हैं? 6,000 दी। कितने साल हो गए? अब ही ना आधी मरी आसवाई आई। आधा पैसा अभी नहीं मिला? नहीं। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।